टॉपिक चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लिगेंड, मतलब लिगेंड में हम उभय दंतुक लिगेंड पढ़ा रहे थे। तो अब उभय दंतुक लिगेंड क्या होते हैं, यानी वे एक दंतुक लिगेंड जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु पाया जाता है, एक से अधिक दाता परमाणु पाया जाता है, परंतु विशेष परिस्थिति में एक ही केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दाता समूह के रूप में उपसंयोजी आबंध बनाकर जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, उभय दंतु लिगेंड। इसमें हम कुछ एग्जांपल पढ़ लिए थे जिनमें से देखो NO2 समूह वाला, तो इसमें NO2 समूह केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जब कनेक्ट होता है तो इसे हमने क्या कहा, नाइट्रो। क्या कहा हमने, नाइट्रो। और जब ये ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होता है, जैसे इस प्रकार ये कनेक्ट होता है उपसंयोजी बंध के साथ, ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होता है, तो हमने इसको कहा था नाइट्राइटो। कुछ एग्जाम्पल है वो देख लो। इसी प्रकार हमने जब साइनाइड साइनो के साथ जुड़ा होता है, तो जब केंद्रीय धातु परमाणु कार्बन के साथ उपसंयोजी बंध बनाता है तो इसका है साइनो, इसको क्या कहा जाता है, साइनो। और जब ये साइनो में नाइट्रोजन के साथ ये कनेक्ट होता है तो इसे कहते हैं आइसो साइनो, आइसो साइनो। इसी प्रकार थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो एस सी एन थायो साइनेटो में, थायोसाइनेटो समूह में यह सल्फर तथा नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट होता है तो यहां देखो तो ये इसका नाम हो गया थायो साइनेटो। और जब ये नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट होता है तो इसका हो गया आइसो थायो साइनेटो, आइसो थायो साइनेटो। और एक होता है थायो सल्फेटो, थायो सल्फेटो। तो थायो सल्फेटो में इसे कहते हैं थायो थायो सल्फेटो। तो थायोसल्फेटो में, थायोसल्फेटो समूह में सल्फर तथा ऑक्सीजन दोनों उपसंयोजी बंध के रूप में जुड़े होते हैं। तो यहां देखो जब ये सल्फर के साथ कनेक्ट होता है उपसंयोजी बंध के रूप में तो यहां देखो ये सल्फर के साथ कनेक्ट है तो यहां थायो सल्फेटो, थायो सल्फेटो क्या लगाते हैं एस, क्योंकि ये एस के साथ यहां उपसंयोजी बंध बना रहा है। एक है जैसे ओ के साथ तो यहां देखो ये हो गया थायो, थायो सल्फेटो एस, सॉरी ओ, ये ओ के साथ यहां उपसंयोजी बंध बना रहा है तो ओ, और यहां एस के साथ बना रहा है तो थायो सल्फेटो एस। तो ये सब है उभय दंतुक लिगेंड, ये सब क्या है, उभय दंतुक लिगेंड। अब हम पढ़ेंगे चिलेट लिगेंड। चिलेट लिगेंड में क्या होते हैं, ये बहुदंतुक लिगेंड होते हैं लेकिन ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक वल्ले या पिंजरे नुमा संरचना में बनाते हैं तो उन्हें कहते हैं किलेट लिगेंड। तो अगला दो
क्लेट लिगेंड, क्लेट लिगेंड किसे कहते हैं? वे बहुदंतुक लिगेंड, वे बहुदंतुक लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केंद्र धातु परमाणु के साथ केंद्र धातु परमाणु के साथ वल्ले नुमा या पिंजरे नुमा संरचना बनाते हैं। तो ऐसे लिगेंडों को किलेट लिगेंड कहते हैं, किलेट लिगेंड कहते हैं। समझना इसको कैसे कहते हैं, यानी वे बहुदंतुक लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ वल्लयनुमा या पिंजरे नुमा संरचना बनाते हैं। तो ऐसे लिगेंडों को क्या कहते हैं? किलेट लिगेंड। देखो जैसे हमने पढ़ा यहां कोबाल्ट EN2, ये EN क्या है? यहां HN12 या एथिलीन डायमीन। तो यहां कोबाल्ट के साथ ये पिंजरेनुमा संरचना बना रहे हैं। जैसे ये होगी NH2CH2 और ये CH2N। तो ये एक तो ये हो गया SN12-diamine, एक वल्ले संरचना होगी तो ये पूरी वल्ले संरचना होगी, पिंजरे नुमा होगी या वल्ले संरचना होगी। तो वे बहुदंतुक लिगेंड, ये लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ वल्ले नुमा या पिंजरे नुमा संरचना बनाते हैं, ऐसे लिगेंड को हम क्या कहेंगे? किलेट लिगेंड। जैसे ये एग्जांपल हो गया SN12-diamine का, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं CoEN2+। तो यहां हम इसमें वल्ले नुमा संरचना में यहां आवेश लगाते हैं। एग्जांपल और देखो इसके, जैसे इसका नाम हो गया एथिलीन-diamine ऑक्सीलेट वाला, जैसे यह है FeOX-3-3, इसका नाम क्या हो गया? ट्रिस ऑक्सीलेटो, ट्रिस ऑक्सीलेटो थेरेट थर्ड निकलते रहे वो पढ़ाएंगे। तो इसकी संरचना देखो, इसमें बोल सकते हैं यहाँ ट्राई भी है इसका, यानी चिलेट लिगेंडों में जब दो होते हैं तो उसे तीन आते हैं तो ट्रिस, और चार आते हैं तो टेट्रा, किसके नाम से जाना जाता है। तो इसकी संरचना में देखो
देखो यहां ये पिंजरे नुमा संरचना में होगी। तो ये होते हैं क्लेट लिगेंड। तो वे बहुतंतुक लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ वलय नुमा या पिंजरे नुमा संरचना बनाते हैं। तो ऐसे लिगेंड को कहते हैं क्लेट लिगेंड। अब इन्हें देखो जब दो लिगेंड आते हैं, जब दो लिगेंड होते हैं क्लेट लिगेंड, जब दो होते हैं तो इसे कहते हैं बिस, तीन होते हैं तो ट्रिस, और चार होते हैं तो टेट्राकिस। ये नाम से जाना जाता है। यानी जब क्लेट लिगेंड दो होते हैं, जैसे ये आ गया तो इसका नाम क्या हो गया, बिस एथिलीन डायमीन, एथिलीन डायमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट सेकंड, कोबाल्ट इक्यू भी उदासीन है। फिर इसी प्रकार जैसे ये आ गया COEN3। अब इसका कैसे लेंगे, ट्रिस एथिलीन डायमीन कोबाल्ट थर्ड सेकंड। ये नाम ऐसे अलग अलग नाम से जाना जाता है इनको। ये हो गया हमारे क्लेट लिगेंड। अब आगे पढ़ेंगे हम उपसह संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन उपसह संयोजक संख्या क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, यानी जब केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने लिगेंड जुड़े होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने लिगेंड जुड़े होते हैं तो लिगेंडों की संख्या क्या कहते हैं, उपसह संयोजी संख्या। तो इसकी देखो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने लिगेंड जुड़े होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने लिगेंड जुड़े थे उन लिगेंडों की संख्या को उपसह संयोजक संख्या कहते हैं। इन्हीं केंद्रीय धातु परमाणु आयन जे लिगेंड द्वारा बनाए गए उपसह संयोजी बंधु की कुल संख्या को क्या कहते हैं, उपसह संयोजन संख्या। मतलब जब केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु में सिग्मा बंधु की संख्या होती है वह उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। जैसे यहां केंद्रीय धातु परमाणु में ये दो लिगेंड है तो उसकी उपसह संयोजी संख्या क्या होगी, दो। ऐसे चार जुड़े हैं तो इसकी उपसह संयोजी संख्या कितनी होगी, चार। यहां कैसे होगी, दो। जैसे इस प्रकार है तो यहां उपसह संयोजी संख्या कितनी होगी, छह। तो जितने केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने लिगेंड जुड़े होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, उपसह संयोजी संख्या। दोबारा देखना इसमें, तो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने लिगेंड जुड़े होते हैं उन लिगेंडों की संख्या को उपसह संयोजी संख्या कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन देखो, यहां केंद्रीय धातु परमाणु
दूसरी डेफिनेशन है केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंडों के मध्य या बीच सिग्मा बंधु की संख्या को उपसह संयोजन संयोजक संख्या कहते हैं। तो देखो कुछ एग्जांपल जिसे मैं इसमें लिखा रहा हूं कौन कौन से होते हैं, कितनी किस्म कितनी होती है, जैसे सिल्वर CN टू PN ई FeOX ई कोबाल्ट NH3 4 Cl2 प्लस। अब देखो इसमें कितने लिगेंड है, दो, तो इसमें उपसह संयोजक संख्या, उपसह संयोजक संख्या इसमें कितनी है, देखो इसमें दो लिगेंड जुड़े हैं केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, तो इसकी उपसह संयोजक संख्या है दो, इसमें कितने, तीन, लेकिन ये द्विदंतुक लिगेंड है, ये एकल दंतुक लिगेंड है, इसमें एक दो से जुड़ रहा है, तो इसकी उपसह संयोजक संख्या कितनी होगी, देखो यहां इसके देखो अभी हमने बताया कोबाल्ट के साथ SN1 2 डायमीन कितनी उपसह संयोजी बंधु बना रहा है, ये जितने उपसह संयोजी बंधु के साथ जुड़ा होता है, यहां देखो इसमें NH2 2 और CH2, यहां देखना NH2 NH2 और यहां CH2 CH2 NH2 NH2 यहां CH2 CH2, तो यहां देखो कुल बंधु की संख्या 1 2 3 4 5 6, तो इसमें उपसह संयोजी संख्या कितनी आ गई, 6, इसमें कितनी आ गई 6, इसमें 2 इसमें 6, यहां देखो इसमें भी अभी अभी हमने संरचना बनाई थी, तो ये भी एक द्विदंतुक लिगेंड है, तो एक लिगेंड दो उपसह संयोजी बनाता है, तो तीन कितने बनाएंगे, 6 3 × 6, इसमें देखो 4 और 2 कितनी हो गई, 6, जैसे एग्जांपल और है प्लेटिनम Cl2NH3 2, अब इसमें देखो दो तो क्लोरीन के लिगेंड है और दो अमीन के, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4, ये सब क्या है उपसह संयोजी संख्या, जैसे इसमें 2 केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ी है, इसमें 3 है लेकिन ये द्विदंतुक है, तो 3 × कितने हो गए, 6, तो इसमें 6 उपसह संयोजी संख्या है, ये भी द्विदंतुक लिगेंड है तो इसमें भी 6 हो गए, इसमें ये एकल दंतुक लिगेंड है, हमने पढ़ा है एक दंतुक द्विदंतुक, तो एकल दंतुक है, ये 4 2 6, इसमें ये भी एकल दंतुक है, इसमें 2 और 2 4, तो ये होती है उपसह संयोजी संख्या। तो उपसह संयोजी संख्या क्या होती है कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो लिगेंड जुड़े होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, या इसकी डेफिनेशन इस प्रकार भी दे सकते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के बीच या मध्य सिग्मा आबंधु के साथ कनेक्ट होती है, वे उसकी क्या कहलाती है, उपसह संयोजी संख्या। अब आगे हम पढ़ रहे हैं समन्वय मंडल और आयनिक मंडल, समन्वय कोरिलेशन मंडल, समन्वय मंडल। समन्वय मंडल क्या होते हैं कि गुरु कोष्टक में केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड एक वर्गाकार कोष्टक में जुड़े होते हैं ऐसे, तो इस मंडल में आने वाले को क्या कहते हैं, समन्वय मंडल। दोबारा सुनना कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन और लिगेंड
केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड एक वर्गाकार, एक वर्गाकार कोष्ठक में पाए जाते हैं, उन्हें समन्वय मंडल कहते हैं। इन इसमें जैसे कोबाल्ट है, साइनाइड के साथ कनेक्ट है, तो यहां ये क्या गलत है? समन्वय मंडल। ये यहां तक यहां वाला क्या गलत है? समन्वय मंडल। ये अनायनिक होता है, आयन। तो यहां देखो समन्वय मंडल क्या कहा, किसने कहा है समन्वय मंडल? यानी केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड एक वर्गाकार कोष्ठक में या ग्रुप कोष्ठक में लिखा जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ रहे थे FeOX होल थ्राइस, तो ये मंडल कौन सा कहलाता है? समन्वय मंडल। ये कौन सा मंडल कहलाएगा? समन्वय मंडल। और आयनिक मंडल होते हैं, जैसे इसके बाहर इधर ये आयनिक मंडल होते हैं, आयनिक मंडल। और ये इधर वाले ऋणायनिक मंडल, इधर वाले धनायनिक मंडल, ये है ऋणायनिक मंडल। जैसे अगर आयनिक मंडल क्या होते हैं? इन्हीं समन्वय मंडल के बाहर, समन्वय मंडल के बाहर जो बाई ओर होते हैं, ये समन्वय मंडल है, जो बाई ओर होते हैं, बाई ओर होते हैं वो तो होते हैं धनायनिक मंडल। और जो दाई ओर होते हैं वो होते हैं ऋणायनिक मंडल। देखो कैसे, जैसे यह K4FeCN6 तो यह धनायनिक मंडल, यह क्या है? समन्वय मंडल। यानी वर्गाकार कोष्ठक में लिखा जाता है वो तो है समन्वय मंडल। अब जैसे यह है CONH3CL3, अब ये आ गया समन्वय मंडल और ये आ गया ऋणायनिक मंडल। तो इसमें अब समन्वय मंडल किससे कहा हमने कि केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड एक गुरु कोष्ठक में होते हैं, उसे तो कहते हैं समन्वय मंडल। ऐसे इसमें और इसके जो बाई ओर होते हैं वो होते हैं धनायनिक मंडल, और जो दाई ओर होते हैं वो होते हैं ऋणायनिक मंडल। तो ये तो हो गए ऋणायनिक मंडल और ये हो गए धनायनिक मंडल। समन्वय बहुफलक, समन्वय बहुफलक में क्या होते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु से सीधे जुड़े लिगेंडो की दिक् व्यवस्थित संरचना को समन्वय बहुफलक कहते हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन से जुड़े लिगेंड, लिगेंडो की दिक् स्थान व्यवस्था व्यवस्था दिक् स्थान व्यवस्था को समन्वय बहुफलक कहते हैं। दोबारा सुनना, यानी केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन से जुड़े लिगेंड की दिक् स्थान व्यवस्था को समन्वय बहुफलक कहते हैं।